गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बहुत लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं। एज यू कैन सी, मैंने अपने घर पे ही बोर्ड का अरेंजमेंट कर लिया है। तो जब तक ये क्वारंटीन पीरियड चल रहा है, जब तक हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बट एज यू ऑलवेज से, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो हम पढ़ाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। एज वी आर ऑल कमिटेड टू यू एट प्रयत्न एजुकेशन फॉर सर्विंग यू इवन एट योर होम। तो उसी इनिशिएटिव के तहत हमने होम लेक्चर्स की ये सीरीज शुरू की है। मैं अशोक नेबनानी, आपका फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, नए आए स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ। आप सबकी तो बम्पर जैकपॉट लॉटरी लगी है, मास प्रमोशन मिल गया, सब लोग ट्वेल्थ में आ गए। एंड एज वी ऑलवेज यूज टू से, बेटा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड अब शुरू हो चुका है, अब भागना शुरू करना है। ये लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा, एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंस्टीट्यूट पे नो डाउट इनके रिविजन होंगे, लेकिन पहली बार सीखने का मजा ही कुछ और होता है। सो पे अटेंशन टू दीज लेक्चर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोर्ड की पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग बात की थी, और उस पेपर पैटर्न के मुताबिक जो सेक्शन सी है वो ग्रामर का सेक्शन है, और सेक्शन सी का सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक, आज हम करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक से कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी रही हैं, बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टॉपिक का नाम लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, रिपोर्टेड स्पीच। बोर्ड एग्जाम्स में इसका 4 मार्क का वेटेज है बेटा। ये टॉपिक कई सारे बच्चों के लिए हेडेक है, उनको प्रॉब्लम्स देता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत आसान है। याद रखिएगा, ग्रामर के हमारे 2 गोल्डन कॉन्सेप्ट जो हमेशा आपको मैं कहता आया हूं, मैं आज बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, आप लोग घर भी दीवार पे लिख दीजिएगा, एक पेपर पे लिख दीजिएगा, एक नोटबुक पे लिख दीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। Answer to every question lays in that question itself. हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है, आपको सिर्फ उसे ध्यान से देखना है। दूसरा, meaning mustn't change. यानी जब भी आप ग्रामर सॉल्व करते हैं, मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए। ये 2 कॉन्सेप्ट्स को आप दिमाग में बिठा लीजिए बेटा। बिना रूल्स का ग्रामर है हमारा, वी वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स। सो दोज़ हु आर न्यू, उनके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, आपके जो प्रॉब्लम्स रहे हैं ग्रामर के रिलेटेड, वो सारे के सारे इन लेक्चर्स के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं। बेटा आज के टॉपिक का नाम रिपोर्टेड स्पीच। अब आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ये सेंटेंसेस आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं इनको मिटा रहा हूँ। ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा रहता है। दूसरा, ग्रामर जब भी सॉल्व करें, मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए। ये 2 चीजें पकड़ के चलिएगा बेटा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा से सीखा है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअली है क्या। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है बेटा। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज एक व्यक्ति है ए और एक दूसरा व्यक्ति है बेटा बी। अब ये 2 लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, इसको आप और हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वर्सेशन या कन्वर्सेशन। ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट के पंगे हैं, बट वन इज द सेम, कॉन्वर्सेशन या कन्वर्सेशन। अब ये दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी एक और आदमी आराम से बैठा बैठा इनकी बातें सुन रहा था। ये लोगों की आदत होती है ध्यान से सुनना, वो सुन रहा, और सुनने के बाद उसने वो पूरी बात जाके एक चौथे व्यक्ति बी को सुना दी। इसको हमारी साधारण भाषा में कहा जाता है गॉसिप या पंचायत, लेकिन इंग्लिश की भाषा में इसको कहा जाता है नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच।
बेटा यहाँ पर एक चीज दिमाग में बिठाने जैसी, ये टाइमलाइन को आप देख लीजिएगा, आजकल एक बहुत फेमस शब्द हो चुका है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा, अमित शाह अक्सर पार्लियामेंट में बोलते हैं आप क्रोनोलॉजी को समझिए, तो इसकी भी क्रोनोलॉजी को समझिए। ए और बी ने बातचीत की, सी ने सुनी और सुनने के बाद डी को सुनाई। इसका मतलब जो बातचीत ए और बी के बीच में हुई वो पहले ही हो चुकी थी, तभी तो सी ने डी को सुनाई। यहाँ पे एक हिंट है बेटा, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है बेटा, हिंट है। वो हिंट क्या है? हिंट है पास्ट टेंस। याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होती है। जस्ट इमेजिन तुम सो रहे हो, रात के 2:30 बजे हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है और सडनली कोई तुम्हारा कंधा पकड़ता है और जोर से हिलाता है और तुमसे पूछता है रिपोर्टेड स्पीच, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए पास्ट टेंस में होती है। इतना याद रख लेना, अगर आप एक इस मंत्र को समझ गए आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई नहीं हरा सकता। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो सर्टेन वर्ड्स हैं जो बदल जाएंगे, आइए उनको भी समझते हैं। जैसे दिस बन जाएगा दैट, दीज बन जाएगा दोस, हियर बन जाएगा देयर, नाउ बन जाएगा देन, टुडे बन जाएगा दैट डे, टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे बन जाएगा द प्रीवियस डे, सॉरी, इसके अलावा इज एम आर जो प्रेजेंट में होते हैं वो बन जाएंगे वॉज वर, उसी तरह से कैन बन जाएगा कुड, विल बन जाएगा वुड, मे बन जाएगा माइट। ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको याद रखना है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। अब ये तो हम सीख गए कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अब आइए एक मजेदार टॉपिक को सीखते हैं। आप अक्सर जब अपने स्कूल में एंटर होते होंगे तो नोटिस बोर्ड होगा, लेफ्ट हैंड साइड मोस्ट प्रोबेबली या राइट हैंड साइड जहां भी होगा, और वहां पे डेली क्या लिखा मिलता है बेटा आपको, थॉट ऑफ द डे, है ना, कई बार देखा होगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आप में से कई बच्चों का ये फेवरेट सेंटेंस है, डोंट ट्रस्ट द वन हुम यू ट्रस्ट द मोस्ट। कईयों ने इंस्टा पे स्टोरी में रखा है, कई व्हाट्सएप पे स्टोरी में रख चुके हैं। ये मेरा लिखा हुआ प्रोवर्ब है, थॉट है, आप लोग ध्यान से सोचें। यहां पे ये दिख रहा है बेटा ध्यान से, इन्वर्टेड कॉमास, ये क्यों है? आपको लग रहा होगा इसलिए कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, इसीलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि इसे हाईलाइट करना है। नहीं बेटा, इसका एक सिंपल मीनिंग है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज रिटन एज इट वॉज स्पोकन। इसको कहा जाता है बेटा डायरेक्ट स्पीच। इसीलिए आपने आज तक जब भी स्कूल में कभी भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाया है तो हमको क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड कॉमास हटा देना। इन्वर्टेड कॉमास क्यों हटाई जाती हैं? इन्वर्टेड कॉमास आर एन इंडिकेशन कि ये सेंटेंस डायरेक्ट है, आप जब उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसकी इन्वर्टेड कॉमास हटेंगी। क्यों हटेंगी? क्योंकि आप किसी की कई बार बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट कर रहे हो। सी,
जो मैंने कहा तुम वर्ड टू वर्ड तो किसी और को सुनाओगे नहीं। अब ये ए और बी की जो बातचीत हुई थी, ए ने बी से जो कुछ कहा वो सी वर्ड टू वर्ड सुनाया मैंने, हम उसके अंदर अपने मसाले, अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, अपनी सोच ऐड करते हैं, समझे बेटा। इसीलिए नरेशन जो होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। किसी के लिए जो चीज़ मामूली है दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बड़ी भी हो सकती है। कई लोगों को बात बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत होती है, एग्जैजरेट करते हैं, कई लोग बहुत लाइटली लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई तुमको मिलेगा और बोलेगा, अरे तुझे पता है इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया, क्या हुआ, दो ट्रक आजू बाजू से गुजर रहे, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई व्यक्ति आपको आगे बोल सकता है, तुम पूछो उससे कि वहाँ क्या हो रहा है, अरे कुछ नहीं यार, एक छोटा सा एक्सीडेंट, 10 लोग मरे और कुछ नहीं हुआ। तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटती है, क्यों, क्योंकि आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को 30 सेकंड्स तो बहुत कम पढ़ेंगे, एक मिनट का समय दे रहा हूँ। आप आराम से एक मिनट तक जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसे कॉपी करिए, ठीक है। वी आर गिविंग यू पॉज ऑफ अराउंड 1 मिनट। बेसिक आइडिया तो आपको समझ में आ गया। तो आप बोलेंगे सर ये टॉपिक तो हमने 10th में भी सीखा था, आपने 11th में भी करवाया था और अब 12th में भी आ गया है। बेटा ग्रामर में टॉपिक नए कभी नहीं आते, हमेशा अपग्रेड होता है। जैसे चेंज द डिग्री, 8th में भी था, 9th में भी था, 10th में भी था, 11th में भी था, अब 12th में भी है। उसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन आप मेजर कीजिए इसका वेटेज बढ़ रहा है। जब ये 10th में आता था तो ये 2 मार्क्स का था, 11th में भी इसका वेटेज 2 मार्क्स का था, लेकिन जैसे ही 12th में पहुंचा है तो इसका वेटेज बढ़कर 4 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि इसके बेटा 4 लेवल्स होते हैं। आज आपको मैं बेसिक लेवल 1 के टॉपिक्स करवाऊंगा, प्लीज अपना ध्यान बोर्ड पे रखेंगे। बेटा जब भी हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ तो उसमें हमारे कई सारे एक्सप्रेशन होते हैं। यहाँ पर मैं खास उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग बात करूँ। जितना जल्दी आप इन एक्सप्रेशंस को कैच करना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, आपकी उतनी ग्रिप बढ़ती चली जाएगी। आइए समझाता हूँ। बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, करण सेड टू अर्जुन आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। ये बेटा सेंटेंस डायरेक्ट का है, क्यों, क्योंकि यहां पे इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है बेटा। अब हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो सेंटेंस क्या बनेगा बेटा, करण टोल्ड अर्जुन दैट। अब ध्यान से देखिएगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में से आंसर बनेगा। ये आई किसके लिए यूज हुआ है बेटा, करण के लिए। सो ही, अब ही क्यों आया, ग्रामर क्या कहता है बेटा, जब सेंटेंस में एक बार नाउन यूज हो चुका हो तो दूसरी बार उसके लिए उसका प्रोनाउन यूज होता है, क्योंकि करण एक लड़का है तो उसका प्रोनाउन बना ही। अब ऊपर के सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड पास्ट में कन्वर्ट करें और कुछ नहीं, एम की जगह क्या आएगा, वाज, नॉट फीलिंग वेल। भाई साहब हो गया, इतना आसान है। अब आप बोलेंगे सर आसान तो है लेकिन एग्जाम में आएगा, नहीं बेटा ये एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्टली जैसे आप एक सीढ़ी चढ़नी हो तो सीधे चौथे नंबर के पायदान पे पाँव नहीं रख सकते, आपको स्टेजेस क्लियर करने हैं। तो ये जैसे मैंने बताया ये हमारा लेवल 1 है, ये लेवल 1 के सेंटेंसेस आपको मैं करवा रहा हूँ। जैसे आपको लेवल 1 का ग्रिप आता है हम लेवल 2 पे मूव कर रहे हैं,
लेवल टू का ले पाता है तो लेवल थ्री पे, और फाइनली हम लेवल फोर पे पहुंचते हैं जो कि आपका एग्जाम का लेवल होता है। चार मार्क्स यू ही तो मिलते नहीं बेटा, इतना आसान होता तो चाहिए क्या था। चलिए एक और कुछ और सेंटेंसेस करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस वक्त ध्यान आपका पूरा बोर्ड में होना चाहिए बेटा। एक और रिकमेंडेशन करूंगा, खास करके मेरे लेक्चर जब भी आप सुने हेडफोन्स लगा के सुने या ईयरफोन्स लगा के सुने, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, समझने में आसानी होगी, प्लस बाहर का जो शोर होगा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप ग्रामर सीख रहे हो या जब आप टेक्स्ट सुन रहे हो, दोनों टाइम पे आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए, आपका ध्यान पूरा रहेगा। 80% प्रिपरेशन बेटा, 80% प्रिपरेशन तब होती है जब बोर्ड वर्क हो रहा होता है, 20% की मेहनत बाद में करनी पड़ेगी बस। याद रख लेना, द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अ स्टूडेंट इज टू बी अ वेरी गुड लिसनर। आप अगर सुनते अच्छा है आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस करते हैं, सुरेश सेड टू कोमल, डॉक्यूमेंट्स। क्या होगा ध्यान से देखिएगा, सुरेश टोल्ड कोमल दैट, ये आई अगेन किसके लिए यूज हुआ, सुरेश के लिए, वो लड़का है स्टूडेंट, हैव का पास्ट टेंस बेटा हैड, चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सिर्फ पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। मैंने जैसे बोला ना बेटा, रात को 2 बजे तुम गहरी नींद में हो और कोई तुम्हारा कंधा पकड़कर जोर से हिलाए और पूछे रिपोर्टेड स्पीच, तो तुम्हारी जुबान पे क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस में होता है। इतना अगर तुमको याद है ना बेटा, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, यू विल बी द बेस्ट वन इन रिपोर्टेड स्पीच, आई गारंटी यू by standing on this floor, कि आप अगर इसको ध्यान से सीखते हैं आप इसको सिखा भी सकते हैं, इतना कैपेबल आप बन सकते हैं। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ ध्यान देते हैं, प्रीति सेड टू कबीर, प्रीति ने कबीर से कहा कि मैं कल विदेश जा रही हूं, गोइंग अब्रॉड टुमारो। अब इसका आंसर कैसे बनेगा बेटा, प्रीति टोल्ड कबीर दैट, अब यहां पे आई किसके लिए यूज हुआ है, ये लड़की है, सो शी वॉज गोइंग अब्रॉड, अब टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। एक और सेंटेंस देखते हैं, राकेश सेट टू विद्या, We will solve this puzzle. ध्यान से देखिए, राकेश said to Vidya, we will solve this puzzle. अब ये sentence अभी तक किए हुए 3 sentences से different है। कैसे? अभी तक एक individual यहाँ तो अपने बारे में बात कर रहा था या तो दूसरे के बारे में, लेकिन यहाँ पर वो collective बात कर रहा है। हम अब आइए इसको कैसे solve करते हैं।
राकेश, टोल्ड विद्या दैट, ये वी का हो जाएगा दे। अगर उधर लिस्ट में लिखना रह गया हो तो आप जरूर लिखिए, सब कुछ कवर नहीं होगा कभी कभी। वी का हो जाता है दे। विल का पास्ट टेंस क्या होगा बेटा? विल का हो जाएगा वुड। अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट पैदा होता है, सर सॉल्व का सॉल्व क्यों नहीं हुआ? बेटा कभी भी डबल पास्ट टेंस नहीं करते, पास्ट टेंस हमेशा एक ही बार। आपने विल का वुड बनाया ना तो सॉल्व का सॉल्व ही रहेगा। दे वुड सॉल्व दैट पास्ट। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगेन आई एम गिविंग यू 15 सेकंड्स टू 1 मिनट्स टाइम। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये सेंटेंसेस नोटबुक में कॉपी करिए। बेटा अभी तक आपने चार सेंटेंस देखे, वो सारे सेंटेंस वन साइडेड थे, लेकिन बातचीत कभी वन साइडेड नहीं होती। बातचीत हमेशा होती है क्यू ए पैटर्न पे, यानी क्वेश्चन एंड आंसर। कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब मिलता है, और यही इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। आज मुझे आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा पहले क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है मैं आपको इजीली बता सकता हूं कि सर जिस सेंटेंस के पीछे ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, बस इतना ही। हाँ बेटा बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन कभी सुना है कि इसके टाइप्स होते हैं? कईयों को सरप्राइज लग रहा होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं। हाँ बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो तरह के, इनके दो टाइप्स होते हैं। पहला जनरल क्वेश्चन और दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब भाई ये क्या होता है जनरल क्वेश्चन और क्या होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन? बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जनरल क्वेश्चंस वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। दूसरी तरफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको हमेशा डिटेल्ड मिलेंगे। बेटा आगे एक और क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जनरल क्वेश्चंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, जैसे कि इज, एम आर, कैन, विल, have, may, etc. जबकि स्पेसिफिक क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड्स से बनते हैं, जैसे watch, when, where, how, who, whose, etc. समझ में आया? आप में से कई लोग हाँ बोल रहे होंगे। ये एक और बड़ी गलती, तब तक हाँ मत बोलो बेटा जब तक तुम्हारा खुद का दिमाग एक्सेप्ट ना कर ले। कई लोगों की थिंकिंग क्या होती है, ना खाता ना बही, जो गुरु जी गए वो सही, टीचर कभी गलत कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, डाउट्स पूछो, याद रख लेना एक चीज मेरी बेटा, दिमाग में बिठा लेना,
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही चीज़ को सीखने का एक ही मैटर, हर लॉक की मिनिमम दो चाबियाँ होती हैं, इसीलिए अलग अलग मेथोडोलॉजीज होती है। लेकिन मेरा पॉइंट मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जनरल क्वेश्चंस मैंने कहा आंसर यस या नो में आएगा, मैंने कहा इज एमआर प्लान विल हैव या ए से बनेगा। अब इनके क्वेश्चन फॉर्म करके देखिए, इज योर ब्रदर गोइंग अब्रॉड, आपके दिमाग में आंसर बनेगा यस या नो। आर यू ईटिंग समथिंग, यस या नो। कैन यू गिव मी दिस बुक, यस या फिर नो। विल यू अटेंड दिस लेक्चर, यस या फिर नो। उसी तरह जाइए स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इनके आंसर आपको डिटेल में मिलेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तो आपका आंसर होगा आई एम वॉचिंग अ लेक्चर ऑफ अशोक सर। व्हेन विल यू गिव माय बुक, आई विल गिव यू योर बुक आफ्टर 7 days। वेयर आर यू राइट नाउ, ये भी क्या सवाल है सर, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो, क्वारंटीन है घर पे बैठे। बहुत बड़ी बैंड हो जाती है मोदी जी ने घर पे बैठा दी, लेकिन ये जरूरी है बेटा, कोरोना से लड़ने का और कोई तरीका नहीं है, आपको घर पे रहना ही पड़ेगा। हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग ग्रेट बिकॉज बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूँ। सो ये बेसिक फर्क है जनरल और स्पेसिफिक क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रोक रहे हैं, ये अच्छे से समझ लीजिएगा, हो सके तो जनरल के और स्पेसिफिक के 5-5 एग्जाम्पल्स भी बना के लिख दीजिएगा अपने लिए, आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और वहीं से शुरू होगा हमारा लेवल 2, जहाँ पे सवाल भी होगा और जवाब भी होगा। उम्मीद रखता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, डिफिकल्टी हो, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपनी क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट बेटा। लेकिन एज ऑलवेज आई हैव बीन सेइंग, ग्रामर के 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है। दूसरा, जब भी ग्रामर सॉल्व करें मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू।